व्हाट्सएप लाया एक ऐसा धांसू फीचर, नेट की झंझट ही खत्म, बिना नेट की सुविधा के कर पाएंगे चैटिंग। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। एक खास और दमदार खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, ताकि इसी तरह की कुछ खास और दमदार खबरें आपको मिल सके। सबसे पहले, दुनिया का सबसे व्हाट्सएप ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला चैटिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको किसी भी अन्य चैटिंग प्लेटफॉर्म की तुलना में काफी ज्यादा यूजर्स मिलते हैं। पर यूजर्स को एक से बढ़कर एक फीचर दिए जाते हैं जो चैटिंग के दौरान आपके बड़े काम आते हैं और चैटिंग को सरल और फास्ट बनाते हैं। कंपनी ने अब एक नया फीचर अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल करने का प्लान बनाया जो यूजर्स का एक्सपीरियंस बदल कर रख देगा और उनको चैटिंग का एक नया अंदाज दिखाएगा। व्हाट्सएप में 5 जनवरी को अपने नए फीचर के बारे में ट्वीट करके ऐलान किया है। कंपनी बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी चैटिंग ऑप्शन ऑफर करेगी, जिसमें इंटरनेट ना होने के बावजूद भी यूजर्स आसानी से चैटिंग कर पाएंगे। आपको बता दें कि कंपनी ने इंटरनेट ब्लॉक होने के बावजूद प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट होने के फीचर को शुरू किया। ये नया फीचर बेहद ही दमदार होने वाला है। दरअसल कंपनी ने ट्वीट में लिखा कि वह स्वतंत्र रूप से संवाद करने के आपके अधिकार के लिए लगातार लड़ती रहेगी। व्हाट्सएप अब जब से सीधे जोड़ पाना संभव नहीं, तो आप वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किए गए सर्वर के माध्यम से दुनिया भर में कनेक्टेड रह सकते हैं और स्वतंत्र रूप से संवाद कर सकते हैं। आपको बता दें कि ईरान में हो रही मानव अधिकारों के शोषण की वजह से प्लेटफॉर्म मैंग्लोबल कम्युनिटी से आगे आकर लोगों की मदद करने की गुजारिश की है और इसके लिए प्रॉक्सी उपलब्ध करवाने को कहा, जिससे ईरान में जितने भी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना आए और वहां स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से जुड़े रह सकें।